The attitude of a gratitude is the highest yoga. A pleasant morning to all the viewers of Corona Wellness. I am glad to have you all on this Corona Wellness program, episode 32 in Hindi. This Corona Wellness program is an initiative by Bharat Scouts and Guides Karnataka with the blessings of our State Chief Commissioner, Sri P.G.R. Shindya sir, along with Manoj Lekiji and his team from LIA, Life Essence Academy. I would like to welcome you all again. It's time to welcome the host for today, Mr. Vishal Methi, sir, to introduce the facilitators to us. Please, sir. Thank you so much. Namaskar. Shubhprabhat. मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने परिवार दोस्तों के साथ कुशल मंगल। आप लोगों के सेफ्टी के लिए, आप लोगों की हेल्दी लाइफ के लिए 30 मिनट्स का प्रोग्राम रखा जाता है, जो रोज सुबह 7:30 से 8 और रोज शाम को 7:30 से 8 रहता है। हम लोग यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं। ये 30 मिनट्स का प्रोग्राम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो 20 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज जो रहेगा वो डॉक्टर जिग्नाशा जी देंगे। लास्ट 10 मिनट्स जो है वो अफर्मेशंस मेंटल एक्सरसाइज जो है वो सोनल जी लेंगे। डॉक्टर जिग्नाशा जी ने योगा में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है फ्रॉम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी एंड इनके पास बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक है, प्राणायाम्स टेक्निक है जो लोगों के लंग्स कैपेसिटी और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल दोज आर गेटिंग क्योर फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिजीजेस थ्रू देयर टेक्निक। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज एंजॉय दिस सिंपल योगा विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंजॉय दिस एंटायर 30 मिनट्स सेशन। नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट डॉक्टर जिग्नाशा जी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्ते एवरीवन। हेलो, या शुरू करते हैं प्रार्थना से। मतलब बाहर से पहले अंदर अपने आप के साथ जुड़ के फिर हमारी योग यात्रा की शुरुआत करते हैं। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाए। आज ऐसे भी कर सकते हैं कि आप वज्रासन में बैठे, दोनों पांव को पहले घुटने के ऊपर आ जाए और फिर ये जो दोनों पंजे हैं उसको एक साथ कर ले और उसके ऊपर बैठना है, राइट। अभी आपको लगे कि बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप कोई भी ऐसे आसन पंजों के नीचे रख के आप बैठे। तो क्या इसके भी फायदे बहुत है, उसमें हम आज बैठ के प्रार्थना करेंगे। वज्रासन में बैठ के स्पाइन अपने आप इरेक्ट हो जाएगी, राइट। और ये डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया आसन है कि डाइजेशन सिस्टम को ये कार्यक्षम करता है। और ये एक ही आसन ऐसा है कि आप खाने के बाद इसमें आप हर रोज 10 मिनट से शुरू करोगे, 10 मिनट बैठना, तो आपका डाइजेशन पावर इंक्रीज हो जाएगा, है? ओके, तो शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लें और बीच में से आपको लगे कि बैठा नहीं जा रहा है तो थोड़ा एक जैसे से खड़े होके फिर से बैठ जाए, या फिर कोई लोग जो है वो पीछे वो ऐसे सपोर्ट भी ले सकते हैं वॉल का, ऐसे भी कर सकते हैं। पर अभी धीरे धीरे आदत डालेंगे तो ये शरीर है अच्छे से वो फिर आप आराम से 5 से 10 मिनट उसमें बैठ सकते हो। तो शुरू करते हैं। आंखें बंद कर ले, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान, एक गहरी लंबी सांस ले और छोड़ दे। अभी क्या करेंगे, 2 बार ब्रीदिंग और 2 बार ब्रीद आउट ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारी जो भी ब्रीदिंग साइकिल है उसको हम तोड़ते अभी। दो बार नाक से सांस भरेंगे, 2 बार मुंह से छोड़ देंगे, ठीक है, करते हैं।
वेरी नाइस। आंखें बंद रखते हुए ही एक गहरी लंबी सांस ले और सांस को छोड़ते ही छोड़ते अपने आप के साथ जुड़ते ही जुड़ते शांत होते जाए, रिलैक्स होते जाए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर से एक गहरी लंबी सांस ले, रोके और सांस को छोड़ते छोड़ते शांत होते जाए, रिलैक्स होते जाए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले लें। ओम अश्वतोमा सत्कमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हाथ को रिलैक्स छोड़ दें और अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। अभी हमने कल योगिक एक्सरसाइज की थी यहाँ कंधों तक, राइट? तो आज हम पूरे शरीर का वो करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, पर यहाँ से ही शुरू करते हैं। तो जो कल नहीं जुड़े थे या नहीं जुड़ सके थे वो लोगों के लिए आसान होगा और फास्टेस्ट रिकॉल करते करते आगे जाते। तो हमने कल पहले किया था कि कभी भी स्टैंडिंग पोस्चर में करो तो शरीर को सीधा रखना है और नजर सामने रखनी है, राइट? और दो पांव के बीच शोल्डर जितना अंतर। और दूसरा बेनिफिट ये भी है कि आप ये जो भी यहाँ तक की जो एक्सरसाइज है योगिक एक्सरसाइज उसको आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो। मान लो कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वीकनेस लग रही है, तो आप चेयर पे बैठ जाओ और ये ही योगिक एक्सरसाइज करो। पर कैसे भी करके करो, बस वो इम्पोर्टेंट है ना? ठीक है, चलो आंख से शुरू करते हैं। हाथ को सीधा करें, नजर सामने, 3 बार क्लॉकवाइज सांस के साथ, वो कल हमने पूरा कर लिया है। रोटेशन, आई रोटेशन 3 times। अब एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ दूसरी बार साइड, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज आई रोटेशन। आंख को स्क्वीज करें, वाइड ओपन स्क्वीज, वाइड ओपन स्क्वीज, स्क्वीज वाइड ओपन। अभी स्क्वीज में हम 10 seconds होल्ड करेंगे। स्क्वीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड वाइड ओपन। वेरी नाइस, ओके। नेक्स्ट हमने किया था कान का, हमको पीछे रखना है कान के पीछे और कान को बंद करके मुंह में हवा भर के पैडलिंग करना है, राइट? 1 by 1, फिर ऑपोजिट साइड ऐसे करके। चलो शुरू करते हैं और फिर लास्ट में प्रेशर देके कान को, हाथ को अलग से छोड़ना, मुंह साथ में, मुंह से सांस निकालनी है। चलो शुरू करते हैं। सांस एक बार भर ले, मुंह को फुलाए और पेडलिंग शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऑपोजिट साइड, 1, 2, 3, 4, 5 प्रेस करें, कान को प्रेस करें, वो दोनों को एक साथ छोड़ेंगे। वेरी नाइस, मुंह से सांस छोड़ेंगे और साथ में हाथ को छोड़ देंगे तो एक प्रेशर जनरेट होगा ये कप पॉकेट्स के ऊपर। एक बार और कर लेते हैं, फास्टेस्ट शुरू करें, मुंह को फुला लें। 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 प्रेशर, रिलैक्स। वेरी नाइस, कान के हमने दूसरी भी की थी, थंब को कर्ल पॉकेट के ऊपर रख के उसको बंद करें। 4 उंगलियों को आंख से नीचे की ओर, जैसे अपने आप वो सेट हो जाएगी। मुंह से सांस भरना है जैसे स्ट्रो से आप रह रहे हो और नाक से छोड़ने। शुरू करो,
मुंह से लो, फिर से शक कर रहे हो ऐसे, और नाक से छोड़ो, हाथों को रिलैक्स कर दो। अब हमने सचिन को प्रेस किया था जब छोटे थे तो, वाओ ब्यूटीफुल चेन ऐसे करके खींचते थे, ऐसे करो अपने ही गाल के ऊपर, वेरी नाइस। अभी जो मसल्स को फास्टेस्ट, मुंह को खोलो, बंद, वेरी नाइस। इतने तक हुआ, अब गले के ऊपर हम आ गए, ये मसल्स के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है। यहाँ से पूरा स्पाइन के साथ कनेक्शन, ऊपर ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन से ब्रेन को मिलता है, और काफ़ी बार हमारे रॉन्ग पोस्चर की वजह से काफ़ी टाइम हम ऐसे ही बैठे रहते हैं कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर साथ, तो क्या होता है, यहाँ पेन होता है ना। तो इसके लिए बहुत मतलब बेस्ट योगिक एक्सरसाइज बताए कि आगे जाके कभी भी फ्रोजन शोल्डर, ये स्पोंडिलाइटिस, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। सिर्फ 2-3 ऐसे आप योगिक एक्सरसाइज के साथ जुड़ जाओ, राइट। या फिर घर में भी किसी को ये प्रॉब्लम है, मम्मी पापा को, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो इसको दिखाओ, पर अच्छे से, हाँ, ऐसे नहीं झक दे के कुछ करना है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, गले को ऐसे 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करेंगे, राइट, लाइक दिस रोटेट, फिर बीच में लाएंगे, फिर 90 डिग्री, राइट। अभी इसमें सांस भी आएगा, तो जब आप रोटेट करो 90 डिग्री के ऊपर आ जाओ, तो उस समय वहां ब्रीथ आउट करना है, लाइक एक साथ दोनों रोटेट 90 डिग्री एंड फिर ब्रीथ आउट। बहुत सरल दिख रहा है, पर उसके बहुत सारे बेनिफिट है। करो ऑपोजिट साइड, बीच में, फिर ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड, लेफ्ट साइड, ब्रीथ आउट, राइट, ब्रीथ आउट, बीच में आ जाओ। ऐसे नहीं है ऐसे ऐसे कुछ करना, ये एक्सरसाइज नहीं है, योगिक एक्सरसाइज है। अभी हम समझते हैं कि अभी हम जब ये मसल्स को इसे ट्विस्ट करते हैं, तो यहाँ के जो मसल्स है वो पूरी तरह से ट्विस्ट होते हैं। ये ट्विस्ट होने से क्या होगा कि जो भी ये मसल्स में जो स्ट्रेस है वो रिलीज होगा। तो जैसे बेसिन में कहीं भी कचरा हुआ तो हम ऐसे प्रेस करके निकालते हैं, राइट। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं। अभी ये समझना बहुत इजी है कि वाई योगिक एक्सरसाइज, हमने क्या बोला कि सूक्ष्म व्यायाम, मतलब कि उसकी इफेक्ट जो है वो मन के ऊपर भी होती है, जो दिखती नहीं है लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद आपको दिखेगी। पर अभी जब ये 90 डिग्री के आप ले जा रहे हो, तो यहाँ का जो टॉक्सिन्स है स्नायु में, मसल्स में, वो तो रिलीज होंगे ही ब्रीद आउट से साथ, पर साथ में हमने जो अपने ऊपर ये भार ले लिया ना, मुझे ही करना पड़ रहा है, मेरी छोटी बहन तो कुछ नहीं करती, मेरे ऊपर ही सब कुछ है, तो ये सब हम जब करते हैं तो यहाँ पेन शुरू हो जाता है, राइट। तो ये भी मन का भार निकल जाएगा, अरे ये जो डिवाइन एनर्जी है वो हमको एनर्जी दे रही है, तभी जाके तो हम इतना, हमारी मूवमेंट हो सकती है, हम बोल सकते है ना। तो उसके साथ जुड़ते जुड़ते अभी 2 बार कि हम हमारे जो भी मन के, शरीर के जो भी टॉक्सिन्स है उसको निकाल रहे हैं, वही भाव से 2 बार फिर से जुड़ेंगे 90 डिग्री, राइट साइड से शुरू करते, ब्रीद आउट, बीच में आओ, ऑपोजिट साइड, लेफ्ट, ब्रीद आउट। अभी ऐसे कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 90 डिग्री एक बार अच्छे से सीख लो, फिर आप लाइफ टाइम ये उसके बेनिफिट ले सकते हो। कभी भी आप लेक्चर खत्म हुआ, खड़े हुए, फिर ये कर लो नेक का, चेयर पे बैठे बैठे भी कर लो, बीच में आओ, अपोजिट साइड। अभी नेक रोटेशन से पहले, पूरा रोटेट करने के लिए अभी हम नेक को पूरी तरह से पहले पीछे ले जाते हैं, सांस भरे, बीच में आ छोड़े। अभी नीचे जाए तो दाढ़ी को गले के साथ टच करना है, और ये अभी राइट साइड शोल्डर को टच करें, बीच में आए, लेफ्ट, ब्रीथ इन, ऊपर आए तो ब्रीथ आउट, ठीक है। एक बार फिर से सर्कल कर लेते, जैसे सभी ना सर्कल से नीचे की ओर देखें, रिलैक्स, पीछे पूरी तरह से जाए, रिलैक्स, राइट साइड, रिलैक्स, लेफ्ट,
तरफ। अभी हम पूरा नेक रोटेशन करते हैं, जैसे नीचे से राइट साइड, पीछे, लेफ्ट एंड आगे, कंप्लीट एक राउंड हुआ। तो अभी बहुत धीरे धीरे करेंगे, है ना। सांस भरते भरते लेफ्ट राइट साइड जाए, पीछे, फिर लेफ्ट और आगे। सांस भरे, पीछे जाके छोड़ना शुरू करें, छोड़ते छोड़ते आगे आए। लास्ट टाइम ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी वहीं से शुरू करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब विरुद्ध दिशा में सर्कल करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये सब में आपको अपने चेहरे पर सुंदर मुस्कान रखनी है, तभी जाके ब्रेन को पता चलेगा कि आपको ये करना अच्छा लग रहा है। अभी ऐसे आपके ऊपर ये स्ट्रेस दिखेगा तो उसको लगेगा ठीक है तो कंपलसरी है कर रहे, ऐसी कुछ नहीं, प्यार से करो, हम अपने लिए कर रहे हैं, राइट। रिलैक्स, पाँव को थोड़ा हिला लिए, वेरी नाइस, गुड। अभी हम ये कंधों के ऊपर काम करेंगे, दोनों हाथ को इधर रख ले। अभी क्या करना है, एक को आगे एक के पीछे ऐसे करना है। अभी सांस भरते भरते ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी पांव को देखना, हाँ, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, शोल्डर जितना अंतर रख के फिर करेंगे, शुरू करेंगे। चलो शुरू करें, ब्रीद इन। अभी देखो मेरा हेड भी सामने ही है, मैंने हेड को नहीं घुमा, रिलैक्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपसाइड में करेंगे, ब्रीद इन हो करो, जितना ऊपर हो सके करो करो, रिलैक्स, ब्रीद इन। अभी देखो अभी हम कर रहे कंधों के ऊपर, पर हमारा ये चेस्ट एक्सपांशन भी हो रहा है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी हम यहाँ फास्ट ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। चलो सांस भरे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, वेरी नाइस। अभी जैसे ऊपर जाए तो हम सांस भरते हैं, नीचे आए तो छोड़ते हैं। अभी जब हम उल्टा करेंगे ना तो हमारी अवेयरनेस और बढ़ेगी, है ना, क्योंकि हमको ये जागरूक रह के करना पड़ेगा। तो उल्टा करते हैं, ऊपर जाए तो छोड़े, नीचे आए तो ले। समझ में आया, ज्यादातर क्या करते हैं, ऐसे सांस भरते भरते ऊपर जाते हैं, छोड़ते छोड़ते नीचे आते। जब भी कुछ भी आपको मोनोटोनस ना हो जाए उसके लिए ब्रीथिंग के ऊपर आप चेंजेस कर लो, फिर अपने आप प्रेजेंट में और अपने शरीर में ही साथ जुड़ जाओगे, नहीं तो फिर मन कहीं और भागता रहेगा और आप यहाँ कुछ कर रहे हो उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। चलो सिर्फ फिजिकल, हाँ, ऐसे मत समझना कि कुछ भी नहीं, फिजिकल बेनिफिट मिलेंगे, पर जो मन के ऊपर, अपनी नकारात्मक भावनाओं के ऊपर जो काम करना है उसके ऊपर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उससे अच्छा है जस्ट बी विथ योर सेल्फ एंड डू इट, लेट्स डू इट। अभी ऊपर जाए तो ब्रीद आउट, नीचे आए तो ब्रीद इन। वेरी नाइस। चलो अभी ऐसे यहां भी कर लेते, दोनों हाथ की मुट्ठी लगाए और बहुत सारा भर के रखा है ना, अभी बहुत टेंशन है, पर अभी तो एग्जाम भी 12th की गई, तो चलो रिलैक्स हो गए, तो छोड़ दो ये सब जो पकड़ा हुआ था। अभी क्या करेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ को फैलाएंगे, जितना पीछे की ओर जाए करेंगे, तो ये चेस्ट एक्सपांशन भी होगा, राइट। तो दोनों हाथ की मुट्ठी लगा के गले के पास लाए, टाइट करो, टाइट, कितना कुछ भर के रखा है ना, आज छोड़ दो। यस, वेरी नाइस, विथ ब्यूटीफुल स्माइल। काफी कार क्या होता है, हंसते हंसते सॉरी नहीं कह सकते ना, तो हम अभी क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, कोई बात नहीं, हो गई भूल, सॉरी यार, छोड़ो, छोड़ दो, हंसते हंसते, वेरी नाइस, गुड।
इसके हमने एल्बो के ऊपर भी काम कर लिया, राइट। ये हो गया। अभी अभी हम क्या करते हैं, ट्विस्टिंग कर लेते हैं। तो दोनों हाथ को सामने की ओर ले लो, दोनों पाँव को शोल्डर के समांतर रखे हुए अभी हम क्या करना है, पीछे की ओर जाना। अभी हम ये मसल्स के ऊपर काम करें, राइट। तो सामने ले लें और फिर हम पीछे की ओर जाएंगे जितना हो सके। अपना ध्यान जिस साइड हम ट्विस्ट हुए उस साइड थंब के ऊपर रखना है, फिर सामने आए ऑपोजिट साइड। यस, अभी क्या करेंगे, सांस के साथ ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, लास्ट टाइम भरे छोड़े, भरे छोड़े। वेरी नाइस, रिलैक्स कर दे हाथ को। अभी आंखें बंद कर दे और खड़े खड़े ही अपने आप को ऑब्जर्व करें। वही थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे मनोज जी ने हमको सिखाया है कि सेगमेंट इंडेंटिंग, थोड़ी थोड़ी देर में ये सब करना है, एक एक घंटे 1.5 आवर के बाद। तो वैसे ही हर एक योगिक एक्सरसाइज के बाद अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अपने आप को देखो। जैसे अपने शरीर को देखने से पता चलेगा कि कितनी एनर्जी फील हो रही है। सिर्फ हमने 12-15 ऐसे योगिक एक्सरसाइज की और शरीर पूरा रिलैक्स हो गया, मन शांत हो गया, राइट। तो अभी ऐसे करते हैं, बैठ जाए, बैठ के फिर पीठ के बल लेट जाए और शरीर को ढीला छोड़ दे, दोनों पाँव को फैला दे और दोनों हाथ को शरीर से दूर ऐसे थोड़ा रिलैक्स फॉर्म में रखे, हथेली आकाश की ओर और चेहरे को ढीला छोड़ दे और आंखें बंद ही रखते हुए एक गहरी लंबी सांस ले और छोड़े। और अभी आप इसे आंख बंद रखते हुए ही सोनल जी के साथ जुड़ेंगे। जय गुरुदेव। अब चलते हैं सुंदर शरीर के योग यात्रा से सुंदर मन की यात्रा पर। अपनी आंखें बंद रखिए, अपनी सांसों के साथ रहिए, एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर अब हम मनोज जी की आवाज में हमारे चेतना मतलब कॉन्शियसनेस के संबंधित सकारात्मक विधान मतलब कि जिनको हम अफर्मेशंस के नाम से जानते हैं, इनको हम सुनेंगे और इनको दोहराएंगे भी। सकारात्मक विधान मतलब मतलब कि जो अफर्मेशंस हम सुनते हैं जनरली वो सत्य के वाक्य होते हैं। जब हम इन्हें जोर से या धीमी आवाज में दोहराते हैं, हमारा सूक्ष्म मन इनमें इनका मतलब इंक्लूड होता रहता है, बेसिकली इसका अर्थ शामिल होने लगता है। जब हम इन विधानों को अब हम सुनेंगे और हमने कुछ गैप्स रखी हुई है हर एक सेंटेंस के बाद, वो हमें अपने मन में दोहराने। अब हम सुनेंगे। Consciousness. Thank you, thank you, thank you. मुझे मालूम है कि मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं। थैंक यू, मैं जागृत हूं कि मैं प्योर ऊर्जा हूं। मैं जागृत हूं कि मैं सिर्फ ऊर्जा हूं। मैं जागृत हूं कि मैं एक वाइब्रेशन हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मैं अपना दिन जिस तरह से मैं चाहता हूं उस तरह से मैं साकार कर सकता हूं। थैंक यू,
मैं ये जानता हूँ कि मुझे शरीर जिस तरह से चाहिए उसे साकार कर सकता हूँ। थैंक यू। मैं ये वाक्य से जीता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं जागृत हूँ कि मैं शरीर से बात कर सकता हूँ जैसा कोई व्यक्ति से बात करता है। थैंक यू। मैं जागृत हूँ कि मैं नो बॉडी हूँ, यानी कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। थैंक यू। मैं जागृत हूँ कि मेरा जो अप्रोच है समाधि टू यम है। थैंक यू। धन्यवाद। गहरी सांस लेकर धीरे से अपनी आंखें खोलिए और मैं आशा करती हूँ कि इन अफर्मेशंस का आप पर सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ा होगा। और ये ऑडियो कंप्लीट ऑडियो, ये और भी लंबा ऑडियो है, ये इसका लिंक YouTube पर उपलब्ध है, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम सभी दिन भर में काफी एक्सपीरियंसेस, यू नो, सिचुएशंस को अनुभव करते हैं। इन अनुभव में हमारा एनर्जी काफी हाई लो होते रहता है और हमारा मन तो चंचल है, कभी हम खुश कभी हमें परेशान, यू नो, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग हमारी एनर्जी होती रहती है। सो इनको पहचानने के लिए, इनके ऊपर काम करने के लिए हम काफी सारे जॉय शॉप्स और वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, इन्हें अटेंड कर सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स मनोज जी ने डिजाइन किए हुए हैं हमारी जिंदगी को बेहतर और बेस्ट बनाने के लिए। हमारे साथ जुड़िए, आपके स्क्रीन पर हेल्प डेस्क इंफॉर्मेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और वहां पर लिंक भी दिया गया है। QR कोड की मदद से आप डायरेक्टली मीटिंग्स में एंटर, जूम मीटिंग्स में एंटर कर सकते हैं। वक्त मॉर्निंग का, सुबह का वक्त है 8 से 9 बजे का और शाम का वक्त है 8 से 9 बजे का हर रोज। हमारे साथ जुड़िए फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प। ऑलराइट, सो अब है टाइम सेगमेंट इंटेंडेंट का। ये एक तरीका है कृतज्ञ भाव में रहने का। हम इसको और डिटेल में जानेंगे मनोज जी की आवाज में। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में। और ये ब्रेक में हम क्या करते हैं, 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा। एक भूतकाल, एक भविष्यकाल, क्या करना है? सिंपल, अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए, पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञ भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली, तो थैंक यू गुरु जी या थैंक यू मम्मी डैडी मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा, थैंक यू ये पूरे धरती माँ को जो हमको, थैंक यू ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा, थैंक यू
थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल, अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत हसमुख रह रहा हूं। और आप जो भी आपको अगले 1.5 घंटे में चाहिए, जो आपका कामकाज कर रहे हैं, वही कामकाज को आप पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में So, ये था हमारा सेगमेंट इंटेंडिंग। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर जिग्नाशा मां को सुंदर योग यात्रा के लिए। डीप ग्रेटिट्यूड थैंक यू टू मनोज जी सुंदर अफर्मेशंस के लिए, हमारी जागृति बढ़ाने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भारत स्काउट एंड गाइड्स टीम का इस सुंदर प्रयास के लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। जय गुरुदेव। That was a wonderful session. I would like to thank all the facilitators and the viewers who have given you 30 minutes of time to take part in the program actively. Now, I would like to keep you all informed about some of the activities being conducted by Bharat Scouts and Guides Karnataka. Firstly, we have 2 sessions every day. The Hindi session at the morning 7:30 a.m. and the English session at the evening 7:30 p.m. We'll be back soon. The next one is Good Turn of the Day. The Good Turn of the Day is to prepare cloth bag for shopping and say no to paper and plastic use and use hashtag Scout Good Turn Daily and upload it in the given link. The next one is Good Turn of the Day. You have to use cloth bags and say no to paper and plastic use and take the pics and upload it in the given link and use hashtag Scout Good Turn Daily. The next one is about the Scout Skiller webinar. We will have a webinar today on paper art, which is a part of Scout Skiller badge. Take some paper, newspapers or an origami papers with you before sitting for this webinar and don't miss this webinar. Lastly, Scout Oxygen Bank. Bharat Scouts and Guides Karnataka provides oxygen concentrators to COVID-19 victims under home isolation in Bengaluru city. All you need to do is to contact the number given on the screen when it is necessary. Hope you all enjoyed the session. Thank you.